नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी में भ्रष्ट अफसरों को बचाने वाली जांच, 5 साल में 76 लोकायुक्त छापे, 62 में पड़ताल अधूरी, 6 में केस चलाने की मंजूरी नहीं। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर कर्मचारी की यह छापा पड़ता है। लोकायुक्त संगठन दावा करता है करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी मिली, फिर भ्रष्ट अफसर कर्मचारी का कुछ नहीं बिगड़ता। सजा मिलना तो दूर, मामले कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोकायुक्त की जांच तसल्ली से चलती रहती है सालों तक। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 76 अफसर कर्मचारियों को यहां पड़े छापों की यही हकीकत है। 62 मामलों में अभी तक जांच चल रही है। जिन 6 मामलों की जांच पूरी हो गई है उनमें सरकार ने कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी नहीं दी, बाकी 8 मामले कोर्ट में है। पिछले 4 महीने में एक भी अधिकारी कर्मचारी के यहां लोकायुक्त ने छापा नहीं मारा। विधानसभा चुनाव के पिछले से छापे की कार्रवाई रुकी हुई है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही लोकायुक्त की टीम मैदान में उतरेगी। दैनिक भास्कर ने अफसर और कर्मचारियों के यहाँ पड़े छापों की पड़ताल की वजह जानी कि आखिर इतनी धीमी जांच क्यों चल रही है, इससे जिन अफसरों के यहाँ बेनामी प्रॉपर्टी मिली उन्हें किस तरह और कितना फायदा हो रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि उन अफसरों के बारे में जिनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। इंदौर विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर गजानन पाटीदार के यहाँ 4 मई 2019 को छापा पड़ा था। इसमें 35 लाख रुपए नकद और 1.25 किलो सोना समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। इनके खरगोन निवास पर भी छापेमारी हुई थी। इंदौर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति मिली थी। घर पर थिएटर और अन्य बेशकीमती सामान मिला था। कैलाश पार्क इंदौर में 1500 वर्ग फीट का प्लॉट, श्री बिल्डर्स एवं डेवलपर्स में 5056 वर्ग फीट का आलिशान बंगला, सेंचुरी 21 मॉल में 1890 वर्ग फीट का एक ऑफिस का पता चला था। इसके अलावा खरे ने कई अन्य जगह निवेश किया था। अभी भी जांच चल रही है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में पदस्थ हेमा मीणा छापेमारी के बाद 98 एकड़ जमीन की मालकिन निकली थी। विदिशा के देवराजपुर में 56 एकड़ में वेयर हाउस, मुड़ियाखेड़ा में 14 एकड़ का फार्म हाउस, रायसेन के मेहगांव में 28 एकड़ जमीन पॉली हाउस मिला था। सेवा में बर्खास्त हो चुकी हेमा की सैलरी 30,000 महीना थी और 30 लाख का एलडीए टीवी और 1 करोड़ बंगला मिला था। इंदौर में पदस्थ रहे खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के यहाँ छापेमारी से 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली थी। सर्चिंग में टीम को जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, भोपाल में बंगला, 13 लाख की ज्वेलरी, 1 किलो चांदी, 9 लाख रुपए नगद, 2 कार और 4 दोपहिया वाहन मिले। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।